हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे वोमेन्स चैंपियंस लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से बार्सिलोना वोमेन और अर्सेनल वोमेन के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा, और उन्हीं लो सिलेक्शन प्लेयर को आप अपने टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, और इजीली 3-4 नंबर की जो लीग रहती है उन्हें आप आराम से विन कर सकते हो, और ग्रैंड लीग में तो टॉप 10 रैंक ला सकते हो उन प्लेयर्स की मदद से। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो इस मैच में खेलेंगे नहीं, लेकिन उनका ड्रीम पर सिलेक्शन परसेंटेज काफी हाई है, और अगर आप अभी से कंटेंट ज्वाइन करते हो तो आपका जो अपोनेंट है वो शायद उन सब प्लेयर्स को चेंज ना कर पाए, और उन्हीं की बदौलत आप इजीली विन भी कर सकते हो। तो बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना और अंत तक देखना। तो हम नजर डालेंगे सबसे पहले इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। तो नजर डालते हैं पॉइंट टेबल। तो गाइज, फिलहाल पॉइंट टेबल पर आ चुके हैं। ग्रुप सी में इन दोनों टीमों को रखा गया है। अर्सेनल ग्रुप फर्स्ट मतलब फर्स्ट है और बार्सिलोना सेकंड है। अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में कोई भी मैच हुआ नहीं है। तो गाइज, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बार्सिलोना इस ग्रुप में फर्स्ट पर फिनिश करेगी। तो गाइज, नज़र डालते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में, और इन दोनों टीमों की डीपली एनालाइज करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो गाइज, बार्सिलोना जो कि ला लीगा की टीम है, और ये प्रीवियस सीजन यूएफए चैंपियनशिप लीग विन की थी, और अर्सेनल जो कि प्रीमियर लीग की टीम है, मतलब आप जानते हो कि ये वुमेन्स टीम है, और ये इंग्लैंड की टीम है, और वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस था वो भी अच्छा था। तो गाइज, दोनों टीमें अपने अपने लीग के टॉप ऑफ द टेबल की टीम है, तभी तो ये यूएफए वुमेन चैंपियनशिप लीग खेल रही हैं। तो गाइज, अगर इन दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए कि कौन सी टीम को हमें अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चलना चाहिए, तो गाइज हमें बार्सिलोना का ही एक फेवरेट टीम मान के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो अटैकिंग वाइज और डिफेंस वाइज जो परफॉर्मेंस है ना फिलहाल के टाइम पर, वोमेंस में सबसे बेस्ट आपको बार्सिलोना वोमेंस का ही देखने को मिलेगा। मेंस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन वोमेंस का काफ़ी अच्छा है इस टीम का। प्रीवियस सीजन भी ये यूएफए चैंपियनशिप लीग विन की थी, तो गाइज परफॉर्मेंस तो इसी का बेटर रहेगा, और मैच भी इसी का होम ग्राउंड में है, और ये टीम जब अपने होम ग्राउंड में खेलती है ना तो अटैकिंग वाइज तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस रहता है आप देख कर हैरान हो जाओगे, मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ। लेकिन जो दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड मैच हुए उनके बारे में एक बार बात करते हैं। तो गाइज, हेड टू हेड 3 हुए इन दोनों टीमों के बीच में, जिनमें से बार्सिलोना ने सिर्फ एक ही मैच विन किया, 2 मैच अर्सेनल ने विन किए। अटैकिंग वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस वाइज 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइज, बात कर सकते हैं कि जो पहले इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था मैच, उस टाइम पर अर्सेनल का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतर था। 2012 में ये 2 मैच खेले गए, और दोनों मैच को अर्सेनल विन की थी। लेकिन 2019 में एक मैच खेला गया बार्सिलोना इस टीम के सामने, और इसी का होम ग्राउंड में खेला, तो बार्सिलोना ने वो मैच 5-2 से मैच को विन कर लिया। तो गाइज, उस वक्त में बार्सिलोना का जो परफॉर्मेंस था काफ़ी डाउन था, लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है बार्सिलोना का वो काफ़ी बेस्ट है। तो जो रिसेंट का हेड टू हेड मैच है वो यहाँ से बार्सिलोना ने ही विन किया। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मैच में कौन सी टीम को हमें अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चलना चाहिए। हमें तो बार्सिलोना को ही फेवरेट टीम मान के चलना चाहिए, और इसका होम ग्राउंड में भी ये मैच है, इस तरह का भी इसको एडवांटेज मिलता है। तो हम बात करेंगे अब इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस, बार्सिलोना करंटली 6 मैच खेली है, जिनमें से 6 के 6 मैच विन किए हैं, ना ही कोई ड्रॉ खेला ना ही कोई लॉस किया, बल्कि अटैकिंग वाइज 6.3 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज सेटिंग गोल करती है, और डिफेंस वाइज 0.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करती है। अब आपने बहुत दिन ऐसा हम एनालाइज कर रहे हैं, मतलब हर मैच फुटबॉल की प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं देखा मैंने 6.3 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से कोई टीम गोल करती हो, लेकिन बार्सिलोना वोमेन्स का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 6-7 गोल आराम से कर ही देती है, लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर से बेहतर टीम के सामने प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच बार्सिलोना अलावेस के सामने 9-1 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने अपने होम ग्राउंड में अलावेस के सामने 9 गोल किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया, और उससे पिछले अगर आप देखो तो यहाँ से मतलब पिछले
तीन चार मैच एक भी गोल कंसीड नहीं किया पिछले चार मैच में, और कंसिस्टेंट आठ आठ पाँच पाँच गोल पर मैच स्कोर किया। तो परफॉर्मेंस तो इस टीम का जो है फिलहाल के टाइम पर वो अप टू द मार्क है, लेकिन उससे पिछले मुकाबले एक टीम इस टीम मतलब एक मैच इस टीम ने 3-2 से विन किया, जिसमें इसने दो गोल कंसीड किए, और अटैकिंग वाइज उस मैच में भी इस टीम का जो परफॉर्मेंस था तीन गोल किए थे लेकिन डिफेंस दो गोल कंसीड किए। तो सिर्फ दो मैच में ही इसने पिछले छः मैच में से दो मैच में ही तीन गोल कंसीड किया, वरना इस टीम ने गोल कंसीड किए ही नहीं। तो परफॉर्मेंस अगर यहाँ से देखा जाए जो बार्सिलोना का है, अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 3-4-5-6-7-8-9 गोल आराम से कर देती, लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने पर मैच में एक गोल कंसीड करती है। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस फिलहाल टाइम पर वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करें अर्सेनल वोमेन का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग, तो गाइज अर्सेनल ने करंटली 6 मैच खेले जिनमें से 6 के 6 मैच विन किए हैं अपने लीग में, लेकिन डिफेंस वाइज नहीं अटैकिंग वाइज 4.2 और डिफेंस वाइज 0.5, मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 4 और कभी कभी तो हल्की टीम के सामने 5 गोल पर मैच भी कर देती है। तो इस टीम का जो अटैकिंग एवरेज है वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि ये टीम भी प्रत्येक मैच में गोल करती है लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती है। तो गाइस दोनों टीमों की जो अटैकिंग वाइज जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार्सिलोना का देखने को मिलता है, लेकिन डिफेंस वाइज जो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस है वो इक्वली है, मतलब 0.5 और 0.5। तो गाइस अब गाइस बात करें जो पिछला मैच अर्सेनल अस्टन विल्ला के सामने 4-0 से मैच को विन करके आ रही है, उससे पहले मुकाबला 5-1 से विन किया, फिर 5-0 से विन किया, फिर 4-0 से विन किया, फिर 4-0 से विन किया, फिर 3-2 से विन किया। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो इस टीम का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम ये टीम 4 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज ये टीम गोल करती है, सिर्फ दो मैच में ही सिर्फ इस टीम ने 3 गोल कंसीड किए। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 4 गोल पर मैच स्कोर करती है, और डिफेंस वाइज एक बेहतर टीम के सामने प्रत्येक दो मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस अर्सेनल का भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात आती है इस मैच में किस तरह हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाएं किस प्रेडिक्शन के अनुसार। तो गाइस क्या प्रेडिक्शन हो सकती है इस मैच में हमारी सिंबॉलिक टीम क्रिएट करने के लिए। तो गाइस मुझे लगता है कि बार्सिलोना ये मैच अपने होम ग्राउंड में खेलेगी, और होम ग्राउंड का एडवांटेज रहेगा बार्सिलोना वुमेन्स के पास इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करने का। तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 गोल आराम से बार्सिलोना इस मैच में कर देगी, और एक गोल कहने के डिफेंसिव वाइज भी कंसीड कर सकती है, क्योंकि अर्सेनल का जो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, और पिछले दो हेड टू हेड में इस टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। अगर रिसेंट का हेड टू हेड देखा जाए तो उस मैच में भी अर्सेनल ने 2 गोल किए हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि यहां से 3-1 का प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन आपको काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, और एक दो टीम आप 0-0 की भी टीम बना लेगा, क्योंकि दोनों टीमों की जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहद शानदार देखने को मिला है। इसलिए फिलहाल के लिए 3-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं बार्सिलोना वोमेन के प्लेयर्स के बारे में, फिर नज़र डालेंगे अर्सेनल वोमेन के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी नेक्स्ट मैच की वीडियो रहेंगी ना वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर और मिलती रहेंगी इसी एनालाइज के जरिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इस मैच जो मेरी फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप देख सकते हो वहां पर हमारी जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना बेहतरीन है फिलहाल के टाइम पर। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो नजर डालते हैं बार्सिलोना वुमेन के प्लेयर्स के बारे में। मेंबर्स कन्फ्यूजन में होंगे कि 3-1 प्रेडिक्शन क्या है, तो गाइज इसका मतलब ये है कि 3 गोल कम से कम इस मैच में बार्सिलोना करेगी और एक गोल कहीं ना कहीं आर्सेनल भी कर सकती है। ये है 3-1 प्रेडिक्शन, और इसी के बेस के अनुसार हमें अपनी टीम की क्रिएशन करनी है। तो नज़र डालते हैं बार्सिलोना वुमेन के प्लेयर्स के बारे में। बार्सिलोना वोमेन की टीम की तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर असिस्ट सेट ओशा आला, जो कि इस टीम की तरफ से 5 गोल कर चुका, मतलब 5 गोल कर चुकी है, और प्रीवियस सीजन यूएफए चैंपियनशिप लीग में ये इस टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर थी। अब कैप्टन किसको बनाए, भैया इसी को बनाए, 90 मिनट भी खेलेगी और चांस पूरे रहेंगे इस मैच में इसका जो परफॉर्मेंस
गोल करने का। तो गाइज गोल करेगी तो हमारी टीम का कैप्टन अभी के लिए यही है। और यहाँ से अलेक्सिया पोर्टेलास जो कि इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुकी है और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और फर्स्ट चॉइस पैनल टेकर मेरे हिसाब से यही रहने वाली इस टीम की तरफ से, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें हम अपनी टीम का वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, मतलब बनानी चाहिए। और यहाँ से लेके मार्टिनेस जो कि इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुकी है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, इसको भी हमें अपनी टीम में ट्राई करके जरूर चलना है। और यहाँ से बरोना जो कि 3 गोल कर चुकी है, मतलब टॉप 4 प्लेयर को तो आप अपनी टीम में बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बार्सिलोना जो टीम है ना वो प्रत्येक प्लेयर गोल कर सकता है इस मैच में। ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं इस मैच में जिनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी ये रहेगी कि हम 7 ही प्लेयर पिक कर सकते हैं एक टीम से, तो उस कंडीशन हम टॉप 4 को तो अपनी टीम में ट्राई करके जरूर चलेंगे। अब बाकी के जो भी प्लेयर्स यहाँ से जैसे हैनसेन है और यहाँ से फर्नांडीज है जो कि आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगी, लोसा को मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। मैरियोना खेलने का चांस काफ़ी कम है, पीना खेलने का चांस काफ़ी कम है, और बाकी के जो भी प्लेयर हैं उन सभी का आप रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। टॉप 4 आपको अपनी टीम में पिक करना चाहिए। अब नजर डालते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। अब गई असिस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो अलेक्सिया पोर्टेलास जो कि इस टीम तरफ से 4 गोल 4 असिस्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए बनाए मैंने इसको अपनी टीम को वाइस कैप्टन, क्योंकि परफॉर्मेंस इस टीम इस प्लेयर का काफ़ी अच्छा है। वहीं बात करते हैं बोन मार्टी जो कि 3 असिस्ट कर चुकी है, और यहाँ से पीना खेलने का चांस काफ़ी कम है। मैरियोना जो कि खेलेगी कम बाकी झगड़ेगी ज़्यादा, मैंने जहाँ तक इसके हाईलाइट देखे उसमें देखा कि लड़ाई बहुत करती है, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन हैनसेन एक ऐसी प्लेयर है जो असिस्ट पोटेंशियल रखती है, गोल कम करती है लेकिन असिस्ट रखती है, और इसकी जो पोजिशन रहती है वो अटैकिंग वाइज रहती है, तो क्या इस मैच में गोल कर पाएगी या नहीं वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पोजिशन के अनुसार हम इसे पिक करेंगे अपनी मिलों की टीम में। अब बात करते हैं सेकंड टीम के जो प्लेयर्स हैं, मतलब अर्सेनल वुमेन के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं एआरएस के प्लेयर्स के बारे में। हाँ तो गाइस अर्सेनल टीम तरफ जो फिलहाल टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर किम लिटल है जो कि इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुकी है, और ये इस टीम की तरफ से फिलहाल के टाइम पर फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर भी है और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है, लेकिन जिसका सिलेक्शन परसेंटेज वेरी लेस है। अर्सेनल की टीम की तरफ से मोस्ट ऑफली मतलब एक बेस्ट प्लेयर है, मान सकते हो प्रीवियस सीजन भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मिडेमा जो कि इस टीम तरफ से 4 गोल कर चुके हैं, प्रीवियस सीजन की भी हाईएस्ट गोल टेकर थी। और यहाँ से बेतानी मेड जो कि इस टीम तरफ से 3 गोल कर चुकी है, टॉप 3 प्लेयर को अपनी टीम में बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। केटी मकबा मतलब मैकबा काबे जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन क्रेडिट इतना हाई है इसका कि इसको हम अपनी टीम में ट्राई भी नहीं कर सकते। वहीं पर बात करें बाकी यहाँ से विलियमसन इसको ट्राई करके चल सकते हैं, बाकी का आपसे हमें सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ से जो बिल्कुल जो इन्हें हम ड्रॉप नहीं कर सकते हम टीम से वो 3 प्लेयर हैं, इनको तो टीम में ट्राई करके चलना ही चलना। अब मतलब आप बना सकते हो नहीं जिली टीम, हाँ कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ से नज़र डालते हैं इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर निकाले हैं, तो उनके प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज असिस्ट के मामले में यहाँ से बेतानी मेड जो कि 3 असिस्ट कर चुके हैं, गोल भी किए हैं, तो परफॉर्मेंस इसका अच्छा है अपनी टीम तरफ से। मिडेमा जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है और प्रीवियस सीजन का हाईएस्ट गोल टेकर है, एक लो स्कोरिंग मैच मतलब स्कोरिंग नहीं मतलब इसे आपने रिस्क टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन दे सकते हो, तो प्लेयर अच्छी है, भरोसा कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो बेहतरीन ही रहता है। मकाबे जो कि 2 असिस्ट कर चुकी है, बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नज़र डालते हैं हमने 3-1 की प्रेडिक्शन रखी इस मैच में अपनी स्मॉल लीग टीम क्रिएट करने के लिए। 3-1 की प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच में जो हमारी स्मॉल लीग टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, वीडियो देख रहे हो, चलो वीडियो देख लो लेकिन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है, अभी बाद में भी देगा कि हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन ये फिलहाल के लिए टीम है रिकॉर्ड के बेस के अनुसार टीम, लेकिन जो लाइनअप रहेगी उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर क्यों देना भाई, यहाँ पर ही बता दो ना। देखो गाइस पोजीशन बहुत मायने रखती है फुटबॉल में, वो पोजीशन के अनुसार हम अपनी टीम फाइनल देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो इसलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलकम रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। यहाँ से लेके मार्टिनस इसको वाइस कैप्टन कर सकते हो, विडेमा क्यों पिक करना है कैप्टन बना दो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसकी पोजीशन बिल्कुल रही ना गोल के सामने तो इसको हम टीम का कैप्टन बना देंगे। लिटल जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन वैसे लिटल नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छी है। वहीं बात करें मैडी
जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी यहाँ से उन सभी प्लेयर्स को पिक किया है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज वेरी लेस है और हमें टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। ओसवाला को कैप्टन बनाना ही नहीं बनाना है भाई, क्यों? चाहे इसका सिलेक्शन 3% क्यों ना हो, लेकिन टीम का कैप्टन यही रहेगी। लेकिन जो इस टीम की तरफ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इस मैच में नहीं खेलेगी और उसका सिलेक्शन हाई है, हरमोशक नाम से एक प्लेयर है, जब आप टीम बनाओगे बोलोगे यार पौड़ भाई ने इस मैच इस प्लेयर को क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि वो इस मैच में नहीं खेलेगी। और कुछ और प्लेयर्स भी हैं लेकिन आफ्टर लाइनअप आपको क्लियर हो जाएंगे। लाइनअप इन मैचों की जो रहती है वो 30-35 मिनट पहले आती है, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलना। फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी। अगर आपको लो स्कोरिंग मैच में किसी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना तो किसको बनाएं भाई, तो यहां से परेरा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और डिफेंसिव पॉइंट भी देगी, प्लस गोल नहीं पोटेंशियल बल्कि असिस्ट पोटेंशियल भी रखेगी। लियोन भी एक ऐसी प्लेयर है, चाहे तो इन्हें भी अपनी टीम के लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन बना सकते हो। लेकिन याद रहे इस मैच में ग्रैंड लीग जरूर खेलनी है आपको। क्यों खेलनी है? क्योंकि इन प्लेयर्स का रिकॉर्ड आपके लिए बताएगा कोई भी, लेकिन प्रेडिक्शन इतने बेहतर नहीं दे पाएगा। मेरा अपना मानना है कि इस मैच में दोनों तरफ से गोल होंगे और दोनों तरफ से गोल होने के चांस से ही अपनी अपनी टीम को ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं इस टीम को बना के चला हूँ, लेकिन लाइनअप आने के बाद जो टीम में चेंजिंग होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपडेट दे दूंगा और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। अब आप चाहे तो वाइस कैप्टन यहाँ स्वीडियो में को रख सकते हो, क्योंकि मैंने पोर्टल लास्ट को इसलिए रखा क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है और बार्सिलोना जो टीम है वो कम से कम 5-6 गोल आराम से कर देती यार, तो उस कंडीशन में इसका अगर 3-4 गोल आ गए तो क्या करेंगे हम, तो अगर वीडियो में एक ही गोल आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो इसलिए मैं यहाँ से पोर्टल लास्ट को टीम का वाइस कैप्टन देख चलाऊँ, कैप्टन ओसाला को और वाइस कैप्टन पोर्टल लास्ट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया क्या? नहीं किया तो कर लो, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी हल्का सा बुखार कम हुआ है मेरा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छे प्रेडिक्शन करूँ, वैसे मतलब फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई इस मैच की वीडियो प्रेडिक्शन आप कैसी गई या गलत है या सही है, जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना।